दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आपको 2 साल के भीतर एक अच्छी नौकरी मिलेगी जिससे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे, तो आप में एक अलग प्रकार की एक्साइटमेंट दिखनी शुरू होगी। और अगर 2 साल के भीतर ही आपको ड्रीम जॉब मिलती है, फिर तो आप मेरी पूजा ही करेंगे। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कुछ मायनों में एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक लग सकता है। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेटरी पोजिशन और कुछ साइंटिफिक साउंडिंग टूल्स जैसे कि स्टार चार्ट्स का यूज करके लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। कुछ लोग अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए तो कुछ अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। हालांकि बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को इलॉजिकल और फेक मानते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो एविडेंस के साथ आपको कन्विंस कराते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक अप्रोच है। इस वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी के डिटेल प्लैनेटरी पोजिशन के बारे में तो बात नहीं करेंगे, जो मेरे समझ के बाहर भी है, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी के मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में चर्चा जरूर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद स्टार या कॉन्स्टेलेशंस पर होती है, जो हमारी लाइफ के इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। एस्ट्रोलॉजी में इन प्लैनेट्स के पोजीशन और मूवमेंट्स के हिसाब से सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए गए हैं, जिससे अर्थ और ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अप्रैल या मई महीने में पैदा होने वाले लोग हार्डवर्किंग और स्टबर्न होते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को इतना नहीं मानते, वो अक्सर इसको सूडो साइंस कहते हैं। सूडो साइंस का मतलब है कलेक्शन ऑफ बिलीव्स और प्रैक्टिसेस मिस्टेकनली रिगार्डेड एज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट शिव विश्वनाथन इसको साइंस नहीं मानते, बल्कि कॉस्मोलॉजी का दूसरा रूप बताते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक मेथड है जो नेचर, कॉस्मोस और स्टार्स के नजदीक लेकर जाती है। मानो या ना मानो, हमारे देश में साइंस लेबोरेटरी शुरू करने के लिए भी एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस ली जाती है। यहाँ तक अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो बिजनेसमैन एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लिए बिना आगे नहीं बढ़ते। एकता कपूर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वुमन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी की एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है। यहाँ तक सक्सेसफुल एक्टर्स मनोज बाजपेयी, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन सभी इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। कई बार ये प्रेडिक्शंस इतने जनरल या वेग होते हैं कि किसी भी आउटकम को आसानी से इनके साथ लिंक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आपको किसी ज्योतिष ने कहा कि आपको जल्दी ही एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी जो आपका हमेशा साथ देगी। ये एक बहुत जनरल प्रेडिक्शन है, और जब सच में ऐसा पार्टनर आपको मिलता है तो उस ज्योतिष की कही बात आपको याद आती है, जिसके चलते एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास और बढ़ने लगता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। साइकोलॉजिकली आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भले ही मेरे लाइफ में दूसरी नेगेटिव चीजें हो रही हो, मुझे आगे चल के एक अच्छी लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते हैं, और इसी के चलते दूसरी चीजों में भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। बिजनेस कम्युनिटी तो हैविली एस्ट्रोलॉजी फील्ड के लोगों से जुड़ी रहती है। नया ऑफिस कब खुलवाना है, नया इन्वेस्टमेंट कब करना है, नई गाड़ी कब खरीदनी है, यहाँ तक फैमिली प्लानिंग भी एस्ट्रोलॉजर को पूछ के की जाती है। पर इतना विश्वास एक आदमी पर क्यों? क्योंकि 5 साल पहले कहीं उसी एक आदमी की 10 बातों में से 5 बातें सही होने पर आपको विश्वास हो जाता है कि कुछ ऐसा फोर्स है जिसके चलते आपके फ्यूचर को पढ़ा जा सकता है और उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। वेटरन एस्ट्रोलॉजर किरण राव कहते हैं कि लोग ज्योतिष के पास इंटेलिजेंट एडवाइस लेने के लिए जाते हैं, जो ठीक बात है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम से डर के उनके पास जाते हैं तो ज्योतिष आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर सकता है। जब आदमी में डर बैठता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस चीज का फायदा थोड़े एस्ट्रोलॉजर्स उठाते हैं। लोग छोटी छोटी बातों को लेकर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जैसे आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, मैं एग्जाम में फेल हो गया, बीवी से झगड़ा हो गया। इन चीजों को अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, ना कि आपके स्टार्स में। ज्यादा करके लोग एस्ट्रोलॉजर की मदद तभी लेते हैं जब उनकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं। अगर कोई आपको फ्यूचर के बारे में एक झलक दिखाता है तो आपको आने वाले समय की बेहतर समझ आती है। फ्यूचर में बुरे समय को कंट्रोल करने का कॉन्फिडेंस ये आपको देता है, भले ही वो कंट्रोल इल्यूजरी क्यों ना हो। एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले कहा था, इस कॉन्सेप्ट को सूडो साइंस का नाम दिया गया है। एस्ट्रोलॉजर्स प्लैनेटरी पोजीशन और उनकी मूवमेंट्स के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उसको साइंटिफिकली वैलिड प्रूव करने के लिए अटेम्प्ट नहीं करते। उनकी खुद की एक फिलोसॉफी है जिससे भविष्य के लाइफ इवेंट्स को समझा जा सकता है। जैसे आयुर्वेदा भारत की ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस में से एक है, जिससे कईयों को फायदा हुआ है, लेकिन आज भी इस प्रैक्टिस को साइंस की बैकिंग नहीं मिलती। साइंस एक प्रैक्टिकल मेथड है जिससे फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड को एविडेंस के साथ ऑब्जर्व किया जाता है। साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठ के आइडिया जनरेट करते हैं और उस आइडिया को एविडेंस के साथ इवेलुएट करते हैं। अगर एविडेंस उनके आइडिया को सपोर्ट नहीं करता तो वो आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। इसी को साइंस कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी को मेरे ओपिनियन से साइंस नहीं कहा जा सकता, और फिक्शनल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत बार एस्ट्रोलॉजी से लाइफ के इवेंट्स को सही से प्रेडिक्ट किया गया है। तो दोस्तों, इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ।
आपको क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।